जय श्री श्याम दोस्तों, आज है जन्माष्टमी और मैं बनाने वाली हूँ कुछ जन्माष्टमी स्पेशल नारियल पाक। और ये देखिए, मैंने एक सूखा नारियल लिया है और इसको करेंगे अब कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद नारियल का पाक बनाने के लिए कद्दूकस, देखो मैंने नारियल कर लिया है। एक कटोरी नारियल है, आधा कप चीनी, और हमें क्या करना है, चीनी कढ़ाई में डालेंगे। इसमें जितनी चीनी है उससे भी कम पानी लेना है, पानी की क्वांटिटी कम रखनी है, नहीं तो जो पाक हमारे बिल्कुल पतला हो जाएगा। हमें अच्छे से 5 मिनट तक इसको पकाना है। और नारियल के पाक में आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंने ये थोड़े से बादाम क्रश कर लिए हैं, उसको भून के रोस्ट करने के बाद क्रश कर लिए। और 5-6 काली मिर्च है, जिसको इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। इलायची पाउडर को भी आप काली मिर्च डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जो मीठे का बैलेंस है वो थोड़ा कम हो रहा है। ये पाक हमारा बन रहा है। पाक में ये जो झाग है ना, चाहें तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ। आप चाहें तो झाग को इस तरीके से बाहर भी कर सकते हैं। और अभी पाक 2 मिनट में हमारा बनकर रेडी जाएगा। और पाक को अगर चेक करना है तो कैसे करना है, एक बाउल में पानी लीजिए, उसमें 2-4 ड्रॉप्स ये पाक डालिए। अगर ये चिपकने लगे तो इसका मतलब है हमारा पाक रेडी है, अभी नहीं है, अभी नहीं तैयार हुआ है, हमें और पकाना है इसको भी। देख सकते हैं पाक हमारा बनके रेडी है, क्योंकि देखिए कुछ बूंदे मैं इसमें डाल रही हूँ और ये पानी में जो बाउल में चिपक जा रहा है। अब इसमें हम डालेंगे नारियल, नारियल डालने के बाद इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे और इलायची पाउडर, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने एक प्लेट में घी लगा लिया है, अब इसमें निकालेंगे फटाफट से निकाल के। इसको हम जमने के लिए छोड़ दिए हैं, 10 मिनट बाद फिर इसको कट कर लेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही थिक हो जाएगा। और फिर अभी फिर कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। चुके हैं, अब इसको मैं कट कर दूंगी, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो ये कट नहीं पाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। और इसको मैं कट करके दिखाती हूँ और फिर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद मैं इसका एक पीस आपको दिखाती हूँ, इसको कटिंग हमने पहले ही कर ली थी इसकी, ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से बन के रेडी है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।